Hi kids, welcome to your SST class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new chapter of your book that is Jelly Bean Journeys for Class 3 by Brain Root Publications. So children, so far we have completed almost 7 chapters of your book. Now today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 8. और चैप्टर नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे? द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, तो आज हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो शुरू करें, आइए लेट्स बिगिन. व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्योग्राफिकल रीजन्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन्स. But before we begin the chapter, here is a small activity. This is a picture. You have to identify this picture. This is the famous 12th Jyotirlinga of Shiva and this temple is located in the Garhwal Himalayan temple. Okay, it is near the Mandakini river in the state of Uttarakhand. Ye Kedarnath temple hai beta. Ye Kedarnath ka shrine hai. Okay. सो आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड. और जो लोग नहीं गए हैं, आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर ये जगह घूम के आइए. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडिया में जो पहाड़ हैं, जो एरियाज डेजर्ट हैं, जहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. India is a beautiful country. The high mountains, lush green forests, mighty rivers, fertile plains and sandy deserts so show the diversity of our land. मतलब India is a land of diversity. यहाँ तरह तरह के लोग तो रहते ही हैं, यहाँ तरह तरह की लैंड फॉर्म्स भी प्रेजेंट है. यहाँ आपको घने जंगल भी मिलेंगे, गहरी नदियाँ और महासागर भी मिलेगा, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी मिलेंगे और बिल्कुल समतल ज़मीन यानी प्लेन्स भी मिलेगा. ओके, ज्योग्राफिकल रीजन्स, देयर आर 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया. यानी इंडिया के लैंड को हम 6 हिस्सों में बांट सकते हैं. दीज फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ अवर कंट्री. अब ये क्या क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी नॉर्थ की तरफ जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, देन द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स एंड अवर आइलैंड्स. ओके, आज हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. आइए इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. बट पहले ये जान लेते हैं, क्या आपको पता है बच्चों वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? क्या कहा? यस, राइट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है द हिमालयस. और हिमालयस में भी माउंट एवरेस्ट, हिमालयन माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शिखर है. माउंट एवरेस्ट स्टैंड्स टॉल एट 8848 मीटर्स व्हिच मेक्स इट द हाईएस्ट पीक्स ऑन द प्लैनेट. यानी पूरे विश्व में जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है. ओके, आइए अब हम नॉर्दर्न हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑन द अर्थ. दीज आर द हिमालयस. इट हैज़ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. इट इज़ फाउंड इन द हिमालयस इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन बाकी का काफ़ी सारा हिमालयन माउंटेन रेंज का हिस्सा जो है हमारे नॉर्थ की तरफ है. ओके, द हिमालयस आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. द स्नो मेल्ट्स इन टू राइज टू नंबर ऑफ रिवर्स लाइक द गंगा, द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो हिमालय के पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये साल भर जो है बर्फ से घिरे रहते हैं, यानी ढके रहते हैं. और जब इन पे सूरज पड़ती है गर्मियों के मौसम में, तब धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलती है और वो पानी बन के नदियों में और महासागर में पहुँचता है. और हमारी कई सारी नदियों को जो है इसी बर्फीले पानी से पानी मिलता है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद ही आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया.
They lie between the Himalayas and Southern Plateau. This area is also known as Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic Plain इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है. Many rivers such as Ganga, Yamuna, Ravi, Satluj originate from Himalayas. ये सारी नदियाँ जो हैं हिमालय की गोद से निकलती हैं. ठीक है, these are perennial rivers that flow through the northern plain and make them fertile. ये जो rivers हैं ये perennial rivers हैं और ये northern plains में बहती हैं और ये साल भर जो हैं northern plains को बहुत ज़्यादा fertile और उपजाऊ बनाती है और इसीलिए north में बहुत ज़्यादा खेती होती है. ओके, the non-perennial river is one that does not flow the entire river, that is Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar and Kaveri. These are non-perennial rivers. Perennial rivers वो होते हैं बेटा जिनमें पानी साल भर फ्लो करता है और non-perennial rivers जो साल के कुछ महीने फ्लो करते हैं और बाद में सूख जाते हैं. यानी non-perennial rivers जो होते हैं वो seasonal rivers होते हैं. अब हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में. ओके, अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज ड्राई एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड. यानी एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का जो रेत से कवर्ड है, जहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है. ओके, इट रिसीव्स लेस देन 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल एनुअली. बहुत कम नाम मात्र बारिश ऐसी जगह पे होती है. द इंडियन डेजर्ट द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. द होल राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन्स थ्रू इट. दिस इज़ द picture of Thar desert. okay, hardly any crops or trees are found in Thar desert. आपको desert areas में सिर्फ कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, किसी भी तरह का कोई भी जो है पेड़ पौधा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है deserts में. alright, अब हम पढ़ेंगे peninsular plateau के बारे में जो इंडिया के मध्य में या बीच में या नीचे की तरफ आता है. The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. बच्चों अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो ध्यान से, तो हमारा जो इंडिया का मैप है वो जब नीचे की तरफ हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का है. तो ये जो एरिया है ये ट्राइंगल बना रहा है. तो यहाँ तीनों तरफ क्या है, पानी है. ऑलराइट, यहाँ का जो एरिया है ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. सो एनी लैंड विच इज़ कवर्ड बाय थ्री साइड्स फ्रॉम वाटर इट इज़ नोन एज अ पेनिनसुलर लैंड. द पेनिनसुलर प्लेटो इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, दो हिस्सों में है. जो ऊपर का है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स. यानी ये जो ऊपर का प्लेटो रीजन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, और जो नीचे का हिस्सा है जो साउथ की तरफ है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटो. इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्कन प्लेटो. क्लियर, तो पूरा प्लेटो है उसको हमने दो हिस्सों में बांटा है. एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है हमारा डेक्कन प्लेटो. द पेनिनसुलर प्लेटो इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट. यहाँ है अरेबियन सी. ठीक है, इस तरफ आपको मिलेगा अरेबियन सी, इस तरफ मिलेगा ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल. और सबसे नीचे यानी जस्ट इंडिया के नीचे आपको मिलेगा इंडियन ओशन. राइट, हमने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में पढ़ा था ना कि देयर आर फाइव ओशंस. तो इंडियन ओशन बिल्कुल इंडिया के नीचे है और इसीलिए इंडियन ओशन को हम इंडियन ओशन बोलते हैं. इस ओशन को नाम ही इंडिया से मिला है. ओके, रिवर्स लाइक कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी फ्लो थ्रू इट. ये जो प्लेटू एरिया है यहाँ पे जो हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब इस जगह से फ्लो करते हैं. ऑलराइट, आगे चलते हैं. The plateau region has hill ranges to its east and west. The range of the east is called Eastern Ghats and the range in the east is west is called Western Ghats. यानी plateau के दोनों ही तरफ east में भी और west में भी क्या है, पहाड़ों के ranges है, different different hill ranges हैं. जो east की तरफ है उसको हम बोलते हैं Eastern Ghats और जो west की तरफ है उन्हें हम बोलते हैं
वेस्टर्न घाट्स, द कोस्टल प्लेन्स, यानी हमने पढ़ लिया कि तीनों तरफ से पानी है, राइट? हमने अभी अभी पढ़ा ना कि पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि इंडिया तीन तरह से जो है पानी से घिरा हुआ है। अगर हम इंडिया का छोटा सा एक मैप बनाएं तो ये जो एरिया है ये पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जितने भी एरियाज आएंगे वो होंगे कोस्टल प्लेन्स, ठीक है? यानी ये सी के पास है इसीलिए कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। दीज प्लेन्स स्ट्रेच अबाउट 6000 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई डेक्कन प्लेटू बट दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी। ये यहाँ पे मिलते हैं, ये आपस में तो सेपरेटेड है प्लेटू की वजह से बीच में, लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं कोस्टल, तो यहाँ पे है कन्याकुमारी, ठीक है? ये जो है मीटिंग पॉइंट है कन्याकुमारी, ओके? द लैंड इन दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे जो लैंड है, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ क्लाइमेट भी हमेशा बहुत प्लेजेंट मॉडरेट रहता है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। एंड अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। इंडिया के दो आइलैंड्स हैं जो इंडिया का पार्ट हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके? एन आइलैंड इज़ एन एरिया दैट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वाटर, यानी कोई जगह अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। द मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी की तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ऑलराइट? द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, यानी सबसे बड़ा जो आइलैंड इंडिया का है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में आता है, ठीक है? इस चैप्टर में हमने कुछ नए टर्म्स पढ़े बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिनसुला, पेनिनसुला मैंने आपको ड्रॉ करके और समझा दिया है कि कोई भी लैंडफॉर्म जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, यानी अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड फ्रॉम वाटर विद थ्री साइड्स, ऑलराइट? ईस्टर्न घाट्स, द रेंज ऑन द ईस्ट इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, यानी माउंटेन रेंजेस, हिल रेंजेस जो ईस्टर्न घाट्स में हैं उसे ईस्टर्न घाट्स बोलेंगे, और वेस्ट की तरफ जो माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ठीक है? देन आइलैंड, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड विद वाटर ऑन ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आइलैंड्स, क्लियर? इंडिया हैज सिक्स मेजर फिजिकल डिविजन्स, ये हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। हिमालयस आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर्स, यानी हिमालय में जो पहाड़ है वो साल भर बर्फ से घिरे रहते हैं। The northern mountains are situated in north. The south of the northern mountains lies the northern plains. The Thar desert covers the northwestern part of India. Peninsular plateau two parts mein divided hai, central highlands or Deccan plateau. The Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep islands are the two main island groups of India. To humne in sabhi cheezon ke bare mein is chapter mein padha hai. Now it's time to test our knowledge. Let's come to the exercises. Let's see how many questions can we answer. कितने questions हम अच्छे से answer कर सकते हैं। First one, deserts covers a large part of dash state. So Himachal Pradesh, Lucknow, Punjab, Rajasthan. So Rajasthan is the correct option. Second, India has dash major physical divisions, six major physical divisions, right? Third one, the southern plateau has the dash in the west. सदर्न प्लेटू के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, है ना? वेस्ट में क्या है, इस तरफ क्या है? अरेबियन सी। द मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया आर द डैश आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स, ऑलराइट? लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। The range of plateau region on the east is called eastern plains, coastal plains, eastern ghat, peninsular plateau, northern plains. तो plateau region को जो है हम बोलते हैं eastern ghat. Next, sixth,
The Deccan Plateau is an important part of coastal plains, northern plain, peninsular plateau, northern plains. तो peninsular plateau, peninsular plateau का नीचे के हिस्से को ही हम Deccan Plateau बोलते हैं, right? That is why वो peninsular plateau का एक हिस्सा है. Now children, it's time to do the fill in the blanks. Let's try out. Dash is the highest peak in the world. Mount Everest. ठीक है? Mount Everest. Next, second dash are covered with snow throughout the year, the Himalayas. Himalayas जो है वो साल भर बर्फ से घिरे रहते हैं, the Himalayas. Third, the dash is a large area covered with sand, desert. Fourth, the range on the west is called Western Ghats. The main group of islands in India are the Lakshadweep, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. Sixth, Thar Desert lies in the state of Rajasthan. Thar Desert कहाँ है? Rajasthan state में. So Rajasthan. All right children, so I hope you have noted all the answers. आपने सभी answers solve कर लिए होंगे. So now let's move further. Next we have state whether the following statements are true or false. So let's do it quickly. Himalayas are covered with snow throughout the years. Yes, it is true. The range of plateau region on east is called Western Ghats. No, it is false. It is known as Eastern Ghats. So, ये false है. Third, the peninsular plateau slopes from east to west. True. Fourth, the climate of coastal plains is neither hot neither cold. Yes, this is also true. Fifth, northern plains lie between the Himalayas and southern plateau. Yes, true. So, these all are true. So, children, next we have exercise number D, that is answer the following questions. This is something to be done on your own. ये आप खुद करेंगे. Chapter में से आपको answers ढूंढना है. जैसे major physical features क्या हैं? Northern plains, northern Himalayan mountains. Then desert, coastal plains, islands, plateaus. तो ये सारे आपको खुद लिखने हैं, ठीक है? इन सभी के बारे में आपको खुद आंसर लिखना है. So with this we come to an end to today's session. I hope children that you have enjoyed the session and you have understood the different kind of physical features of India. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर islands हैं, ठीक है? So, I will meet you soon again with a new chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys. Alright, so stay tuned. Till then, bye bye and take care.